नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जहां एनडीआरएफ की तर्ज पर महिलाओं की एसडीआरएफ टीम हुई गठित। हिस्ट्री शीटर बदमाश जीतू बुंदेला का मकान जमींदोज। नर्स पर एसिड अटैक का आरोपी गिरफ्तार। विनोद मील के श्रमिक परिवारों ने सांसद फिरोजिया को सुनाई अपनी व्यथा। और निजी अस्पताल के समीप हुई हत्या का इनामी आरोपी हुआ गिरफ्तार। देश की पहली महिला डिजास्टर इमरजेंसी फोर्स का गठन मध्य प्रदेश में किया गया और महिलाओं को आपदा प्रबंधन करने के लिए उज्जैन शहर में एक माह का प्रशिक्षण दिया गया। आपदा प्रबंधन कार्य करने के लिए उज्जैन में महिलाओं को एक माह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश के कई इलाकों में दुर्घटना होने के बाद समय पर मदद नहीं पहुंचने से अनेक लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रबंधन टीम के गठन करने के निर्देश दिए और देश में इस तरह के महिला प्रशिक्षण का कार्य उज्जैन में शुरू किया गया, जिसमें आग लगने, मकान गिरने, पानी में डूबने, बाढ़ आने के समय नागरिकों के कैसे जान बचाई जाए, इसके लिए प्रदेश से आई लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज इसी तरह के प्रशिक्षण का कार्य गंभीर डैम में नाव पलटने के दौरान किस तरह से नाव में बैठे लोगों की जान बचाई जाती है और उन्हें प्राथमिक उपचार देकर जिंदा रखा जाता है, ये सारा प्रशिक्षण का कार्य दिन भर चलता रहा। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड कमांडेंट संतोष जाट ने कहा कि अब हम प्रदेश में कोई भी घटना दुर्घटना होने पर तत्काल ऐसी टीम को मौके पर भेजकर आपदा प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं, जिससे लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। ये जब भी किसी प्रकार की आपदा आती थी हम यहाँ मध्य प्रदेश में, तो कभी भी हम एनडीआरएफ को या आर्मी को बुलाने का हम प्रयास करते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन की मंशा थी कि मध्य प्रदेश में वो क्षमता विकसित हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो और स्किल यहाँ इस प्रकार की हो कि हम खुद अपनी आपदाओं को खुद यहाँ अपने स्तर पे फेस कर सकें। उसके लिए पहली बार एनडीआरएफ की तर्ज, एनडीआरएफ में भी ये नहीं है, वो एसडीआरएफ ने करके दिखाया कि यहाँ की जो महिला ब्रिगेड हमने बनाई और महिलाओं को आपदा प्रबंधन के लिए हमने तैयार किया। पहले जब हम यहाँ आए थे तो हम ट्रेनीज थे और अब हम रेस्क्यूअर बन चुके हैं। हमें यहाँ इतनी चीज़ों के बारे में सिखलाई दी गई है कि जिससे कि हम लोगों की जान बचा सकें, जो सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है इस दुनिया। हमने तो यहाँ पे आके काफ़ी कुछ सीखा है, पढ़ाई से लेकर रनिंग वगैरह। ग्राउंड में भी काफ़ी हार्डवर्क होता है हमारा। सबसे पहले तो हमारा उठने का टाइम बहुत लेट था, यहाँ आके हम काफ़ी जल्दी उठने लग चुके हैं। ग्राउंड में भी काफ़ी हार्ड वर्क हो रहा है, हम सब प्रकार का करने लगे। स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं बनता था, दो दिन तो बहुत मुश्किल से निकले, पर अब ऐसी आदत हो गई है कि हम इतने अच्छी से सुबह भी आसानी से उठ जाते हैं। पानी को जब फर्स्ट बार देखा था तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कैसे जाए अंदर, पर अब तो इतना अच्छा सीख चुके हैं कि गंभीर डैम 200 फीट पानी में भी हम बिना हिचकिचाए कूद चुके थे। और बोट हैंडलिंग तो इतनी ईजीली सिखा दी गई है हमें, काफ़ी अच्छी से यहाँ ट्रेनिंग मिली हुई है। उज्जैन पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल डालने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। इसी के चलते आदतन अपराधियों को सबक सिखाने के लिए उनके मकानों पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। गैर कानूनी कामों में लिप्त गुंडे बदमाशों की अवैध संपत्तियों को नष्ट करने की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई। ढांचा भवन स्थित गांजा तस्कर जीतू बुंदेला पर 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों वह गांजा तस्करी करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस उसके खिलाफ रासुका भी लगा चुकी है। आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने ढांचा भवन स्थित बुंदेला के मकान पर जेसीबी चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि जीतू के आदतन बदमाश होने के कारण उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी की गई। ये नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। जीतू बुंदेला एक आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध 44 अपराध पंजीबद्ध है, एनएसए की भी कार्रवाई की गई है। आज कई रेगुलरिटीज़ पाई गई है नगर निगम द्वारा, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। निजी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली महिला पर एसिड अटैक करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
साईंधाम कॉलोनी में रहने वाली निजी अस्पताल की एक नर्स की रत्नाखेड़ी निवासी मुकेश परमार के साथ मित्रता हुई। पति से तलाक होने के बाद नर्स उस युवक के साथ पिछले 13 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों के बीच अक्सर चरित्र शंका को लेकर विवाद होते रहते थे, जिसके चलते मुकेश ने नर्स पर एसिड अटैक किया। पुलिस ने बताया कि एसिड अटैक करने वाले मुकेश परमार को चिंतामन रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और विवाद का मूल कारण जो है चरित्र को लेकर शंका थी, उसी में इनका विवाद कल इतना बढ़ गया है कि उसने एसिड से उस पर अटैक कर दिया। महिला अभी क्रिटिकल हालत में अस्पताल में भर्ती है और हमने आरोपी पर 326A एवं 307 IPC की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है और कल जो आरोपी है उसको चिंतामण थाना क्षेत्र से मुखबिर की सूचना से गिरफ्तार किया है। बरसों से विनोद मील में कार्य करने वाले मजदूर परिवारों पर अपने ही घरों से बेदखली का खतरा मंडरा रहा है। इसी समस्या को लेकर मजदूर परिवारों ने आज सांसद से मुलाकात की। राज्य शासन ने विनोद मील की जमीन पर बने मकानों को हटाने के लिए 10 नवंबर को टेंडर आमंत्रित किए हैं। जब इसकी खबर श्रमिक परिवारों को लगी तो उनके सामने घर से बेदखली का खतरा मंडराने लगा। वे पिछले 8-10 दिनों से लगातार नारेबाजी कर आंदोलन कर रहे हैं। आज भी कुछ मजदूर सांसद अनिल फिरोजिया के कार्यालय पहुंचे और उन्हें बताया कि कोर्ट के आदेश से मिल परिसर में स्थित श्रमिक बस्ती को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, उसे रोकें अन्यथा वे सभी लोग कहां जाएंगे। मजदूरों ने बताया कि पूरे मिल की जमीन खाली पड़ी है और श्रमिकों के मकान 3 बीघा जमीन क्षेत्र में है। यह जमीन किसी तरह मुख्यमंत्री से चर्चा कर छुड़वा दें तो उन लोगों को मकान से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि मजदूरों को बकाया राशि भी नहीं चाहिए और उन्हें मकानों से किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जाए। अब यह आगे जाके घर तोड़ने वाली बात क्यों, जब इतनी जमीन बेच के अगर इसका निकाल किया जा सकता है, रहवासी इलाका छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। हम 70-80 साल से एक ही जगह पे निवास कर रहे हैं, हमारे सबके परिवार यही हैं, हम सब एक साथ रहते हैं। हमारे सबको तोड़ के आज हम कहाँ जाएंगे, पूरे शहर में हम कहाँ भटकेंगे। इसलिए हमारा निवेदन माननीय शिवराज सिंह जी से भी यही कहना है और माननीय विधायक जी, दो ही विधायक हमारे उत्तर दक्षिण के विधायक सांसद जी से भी हमारा यही कहना है कि माननीय हमारे को सिर्फ 3 बीघा जमीन छोड़कर पूरी जमीन बिकवाकर मजदूरों का पैसा दें, हम उसमें साथ हैं और हमारे को इसमें हमारी जमीन छोड़ दी जाए, इसका निवेदन है। तो उस पर पैसा होगा कौन देगा? हमारे जो पैसे निकल रहे हैं, हमारे जो माता पिता मील में मजदूरी करते थे उनके जो पैसे, जो ग्रेजुटी है, जो उनका बना है पैसा, वो पैसा हम माफ़ करने हमको मत दो। हम कह रहे हैं हमारे को सिर्फ मकान दे दो, हम उन मकानों में हमारा जीवन यापन कर लेंगे, पैसा नहीं चाहिए हमारे को। विनोद मिल के भवन तोड़ने का आर्डर आया है तो हम उस बचाने के लिए अनिल फिरोजिया के पास गए थे, भारत जी के पास भी गए थे ताकि हमारे 3 बीघा जमीन छोड़ दी जाए और मकान हमारे को दिए जाए। सांसद फिरोजिया ने कहा कि उन्हें इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, पहले कोर्ट ने क्या फैसला दिया है उसको लेकर आओ, उसके बाद ही वे कुछ कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद भी एक मजदूर पिता के बेटे हैं और उनकी लड़ाई में पूरी तरह उनके साथ हैं। पर कोर्ट ने क्या आदेश दिया ये मुझे अभी जानकारी नहीं है। मैंने बोला आप मेरे को कोर्ट का आदेश बताओ, माननीय सम्माननीय न्यायालय ने क्या आदेश दिया है। अगर उन्होंने आदेश दिया वो हटाना है तो फिर माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो तो सबको मानना पड़ेगा, उसकी अवमानना करने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि सभी हम कानून का सम्मान करते हैं। पर उसमें अभी मैं देख लूँ, उसको समझ लूँ, पढ़ लूँ, उसके बाद में बात करूंगा कि क्या कर सकते हैं। पिछले दिनों एक निजी अस्पताल के समीप गैंगवार में हुई मोनू पेड़वा की हत्या में इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसी के क्षेत्र में उसका जुलूस निकाला। पिछले दिनों संतनगर क्षेत्र में नई उम्र के युवकों के बीच लड़की को लेकर मोनू पेड़वा की हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर निजी अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई थी। इस घटना में राहुल और सौरभ नामक दो भाई घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने बालू लश्करी बाला प्रजापति, मयंक उर्फ मंडप शर्मा सहित सूरज नरवले के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। घटना के बाद से ही चारों फरार थे।
एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने चारों आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सूरज नरवले को आज गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। बाकी अन्य फरार आरोपियों की भी तलाश जारी है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जनापाव से अयोध्या के लिए महादेव यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा का उज्जैन में स्वागत किया गया। यह यात्रा कोरोना महामारी से मुक्ति और लोगों के जीवन में सुख शांति की कामना के लिए निकाली जा रही है। राष्ट्रीय बजरंग सेना के बैनर तले निकाली जा रही यह यात्रा नर्मदा नदी से 10 वर्ष पूर्व निकले शिवलिंग को साथ लेकर निकली है, जिस पर ओम की आकृति बनी हुई है। यह अयोध्या के बनाए जा रहे राम मंदिर में स्थापित की जाएगी। यह यात्रा देवास, भोपाल, छतरपुर होकर अयोध्या पहुंचेगी। बजरंग सेना ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर यात्रा को रोकने के लिए प्रशासन ने कोई कार्रवाई की तो सड़क पर यात्रा रोककर चक्का जाम किया जाएगा। कि यात्रा निकल चुकी है, भोलेनाथ का और भगवान राम का मिलन होने जा रहा है। इस अवसर का सबको लाभ लेना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि प्रशासन तंत्र रोले डाल रहा है। जब हजारों लोगों की सभाएं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की चुनाव में हो सकती है, तो ये 2-500 लोग यदि भगवान शिव का शिवलिंग लेकर अयोध्या जा रहे हैं तो प्रशासन को क्या दिक्कत हो रही है। यदि अब रोकने का प्रयास किया गया तो बजरंग सेना वहीं पर रोड जाम करके हम लोग बैठ जाएंगे। जो अयोध्या में राम मंदिर बना है ये तो अभी झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि बजरंग सेना अब काशी और मथुरा में जो हमारे विवादित ढांचे हैं उनको अलग करवा के और मंदिर का निर्माण करवाना है। इसी मकसद के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं और भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। और आइए अब एक नज़र डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जहां एनडीआरएफ की तर्ज पर महिलाओं की एसडीआरएफ टीम हुई गठित। हिस्ट्री शीटर बदमाश जीतू बुंदेला का मकान जमींदोज। नर्स पर एसिड अटैक का आरोपी गिरफ्तार। विनोद मील के श्रमिक परिवारों ने सांसद फिरोजिया को सुनाई अपनी व्यथा। और निजी अस्पताल के समीप हुई हत्या का इनामी आरोपी हुआ गिरफ्तार। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी। नमस्कार।